न्यूजीलैंड विच कामियां दी घाट नाल जूझ रहे कारोबारियां नूं कुछ राहत देण लई 16,000 ओवरस्टेयर्स नूं तरस दे आधार उत्ते वीजा जारी करन बारे हुण फिर चर्चा होई है, जिस नाल कामियां दी किल्लत दूर हो जाण दीआं उम्मीदां प्रगटाईआं जा रहीआं हन। इस गल विच कोई शक नहीं कि इमीग्रेशन दीआं सख्त नीतियां कारण अजिहे हालात पैदा होए हन, जिसका कारण यही समझिया जा रहा है कि इमीग्रेशन की नवी नीति करके न्यूजीलैंड विच पहला तो काम कर रहे कई कामियां नूं परमानेंट रेजिडेंसी की झाक मुक जाण करके वह होर देशों वल चले गए हैं। इस तो इलावा विदेशों तो भी बहुत कामे नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड विच भारत तो आने वाले विद्यार्थियों का रुझान घट जाना भी इस प्रसंग विच वेख्या जा रहा है, जिस करके कई कारोबारियों नूं वड्डी मानसिक पीड़ विच्चों गुजरना पै रहा है, जिन्हां नूं लोड़ अनुसार कामे नहीं मिल रहे। इस करके इस खड़ोत नूं तोड़न लई इंपलॉयर्स एंड मैनुफैक्चरर्स दे चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रिट ओरीले दा कहना है कि स्किल्स शॉर्टेज अते इंपलॉयमेंट रेट घट होण करके देश दी हर एक इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, जिस दे हल लई देश विच गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे 16,000 ओवरस्टेयर्स नूं वर्क वीजे दे के देश विच पैदा हुई कामियां दी घाट नूं पूरा कीता जा सकदा है। ब्रिट दा यह सुझाव है कि इस घाट नूं पूरा करन लई पैसिफिक देशां प्रति इमीग्रेशन वल्लों नरमी वरते जाण नाल वी उत्थों होर कामे आ सकदे हन। खैर, न्यूजीलैंड दी सरकार कामियां दी घाट नूं पूरा करन लई इस मंग उत्ते अमल करेगी जां नहीं, यह तो समा ही दसेगा, क्योंकि अजिही मंग पहली बार नहीं उठी। संगो इस तो पहला भी सिख भाईचारा सुप्रीम सिख सुसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की अगवाई विच यह मंग उठा चुका है कि ओवरस्टेयर्स नू वर्क वीजा दिता जाना चाहिदा है, जिस नाल कामियां दी घाट भी पूरी हो सकती है अते देश दे खजाने नू भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि ओवरस्टेयर्स कानूनी तरीके नाल काम करके इनकम टैक्स भी भरनगे। भावें अजिहा फैसला लेना लेबर सरकार लई वड्डी चुनौती है, पर कामियां दे संकट नाल जूझ रही इंडस्ट्री नू हुलारा देण लई सरकार नू कुछ ना कुछ नवा करन लई जरूर अगे आना पवेगा। संपादकी नोट अवतार सिंह टैणा, NZ पंजाबी न्यूज़।